जीवन के तीन चरण हैं, बचपना, जवानी और वृद्धावस्था। बचपन में शरीर की सारी ऊर्जा कहाँ होती है? पैरों में होती है। छोटा बच्चा भागता रहता है दिन भर, थकता नहीं है। हम लोग इतना भाग लें तो दूसरे दिन उठ नहीं सकते, भागता है ना, क्योंकि पूरी ऊर्जा उसकी दिमाग में नहीं है, पैरों में है। जवान हुआ, पूरी ऊर्जा कहाँ चली गई? दिमाग में नहीं गई, ना पैरों में रही, प्रमाद में चली गई। अब तो एसी में पड़े रहो, बस उसमें बड़ा सुख मिलता है। वृद्धावस्था में प्रमाद से भी ऊर्जा निकल गई। बुजुर्ग लोगों को 4 बजे उठाना नहीं पड़ता, अपने आप उठ जाते हैं, नींद ही कम आती है उनको। सारी ऊर्जा पैरों में से भी निकल गई, प्रमाद से भी निकल गई, कहाँ आ गई? जिह्वा पर आ गई। और तीनों का ही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बालक हमेशा भागता दौड़ता रहेगा तो पढ़ लिख नहीं पाएगा। तरुण जवान व्यक्ति अगर प्रमाद में ही घिरा रहेगा तो जीवन में कभी सफल नहीं होगा, सोता ही रहेगा, पड़ा ही रहेगा। और वृद्ध व्यक्ति की सारी ऊर्जा जब जिह्वा पर आ जाए और वह अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा तो उस घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। आज इतने सारे बुजुर्ग घर में परेशान है, वृद्धा आश्रम जा रहे हैं। गलती है बच्चों की, लेकिन कहीं गलती उन माता पिताओं की भी है, क्योंकि इस अवस्था में आकर पूरी ऊर्जा शरीर में तो रहती नहीं, हाथ पैर काम करते नहीं, वाणी पर आ जाती है। बात बात पर बोलना, टोकना, ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे, क्या होता है, परेशान हो जाते हैं बच्चे। युग बदल गया, पल पल युग बदल रहा है। उस समय परिस्थिति और थी जब आपने किया, अब परिस्थिति कुछ और है। समय पर भोजन मिल रहा है, कपड़े साफ मिल रहे हैं, दवाई मिल रही है, इससे ज्यादा कुछ अपेक्षा ही मत करो। ऐसे रहो और भजन करो दिन भर। इसलिए जल्दी मरने वाले को कम सोना चाहिए, और जल्दी किसको मरना है? सबको मरना है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।